बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चीज़ पटाटो बॉल्स। उसके लिए हमें चाहिए चिकन। चिकन मैंने ली है एक कप, एक से डेढ़ कप। ये मशीन का कीमा है जिसे मैंने ब्लेंड करके बिल्कुल बारीक कर लिया है। अब हम इसमें ले लेंगे 1 टीस्पून पिसी हुई मिर्ची, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून काली मिर्चें, 1 टेबल स्पून मैदा, 1 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स, 1 टेबल स्पून केचप। ये मैंने हरी प्याज का टॉप वाला पार्ट ले लिया है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। हम इन सब चीज़ों को ब्लेंड कर लेंगे, इसका मिक्सचर बना लेंगे। मिक्सचर बनाने के बाद आपसे मिलते हैं। हमने ये सब ब्लेंड कर लिए, सब मिला के अब हम इसमें डालेंगे आलू। मैंने आलू लिए हैं 2 बड़े साइज़ के, 2 आलू लिए हैं मैंने। इसको मैंने उबाल कर ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करने से आलू ज़रा जल्दी से वैसे हो जाते हैं, इनमें घुटनी उठना टाइप की नहीं होती, तो वो बड़ा अच्छा सा हो जाता है कि हमारे लिए हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। 1/2 कप गाजर ली है मैंने, 1 हरी प्याज का ग्रीन वाला पार्ट, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें। अब इसे हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, लेकिन ये थोड़ा हमारा गीला गीला सा बैटर है, इसलिए इसमें मैं अभी 2 टेबल स्पून मैदा मिलाऊंगी और इसे फिर हम मिक्स करेंगे। हमें और आगे बीच में ज़रूरत पड़ेगी मैदा मिलाने की, तो हम फिर मैदा मिलाएंगे। मैंने इसमें टोटल 3 टेबल स्पून मैदा डाला है। और देखें, अभी हमारा यकजान सा लग रहा है। इसको ऐसे करके यूं करके भी ट्राई करेंगे ना, तो ये आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, अब हम इसको ऊपर लेंगे, अपने हाथ ग्रीस करेंगे सिर्फ ऑयल से। तकरीबन 1 टेबल स्पून ऑयल से हमने अपने हाथ ग्रीस कर लिए। और इसको हम ये चीज़ ऐसे ऑयल लगाने से ना ये चिपकता नहीं है और इसकी बॉल्स भी बड़ी अच्छी सी बन जाती हैं। हम इसकी बॉल्स बनाते हैं। अब हम इसकी बॉल्स बना लेंगे। हल्का सा अपने हाथ को ग्रीस करके, थोड़ा चुपका ये हमने अपने हाथ ग्रीस कर लिए ऑयल से। अब हम इसकी बॉल बनाएंगे। ये शेप आप अलग अलग दे सकते हैं, मैं थोड़ी सी इसकी लंबी शेप दूंगी। मैं अपना चीज़ रखा। ये हमारा एग है, फुल एग है। मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया है। अब मैं थोड़ा सा टेस्ट के लिए इसमें सामान डालूंगी। 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून काली मिर्चें, 1/4 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इससे आपके एग में बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी सा टेस्ट आएगा। इसमें अच्छे से फेंट लेंगे। पहले हमने ऐड नहीं करा, हम इसको मिलाएंगे अपना ब्रेड क्रम्स। फिर हम इसे हमने इसकी कोडिंग कर ली है। अब हम रहीम, हमारा ऑयल हीटअप हो गया है। अब हम इसमें अपने ये डालेंगे, अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ देंगे, वरना ये हमारे टूट जाएंगे। इसको यहाँ छोड़ देंगे। अब इसे हम हल्के हाथ से पलटेंगे, इसको मीडियम आंच पे ही बनाएंगे, वरना पता है ये एकदम से ऊपर से हो जाएगा और अंदर से नहीं होगा। हम सबको पलट लेंगे हल्के हल्के हाथ से।
हमारे बॉल्स हो गए हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे, डिश ऑफ कर लेंगे।